प्रेरणा कथा। साहस तो करना होगा और वो दिन आ ही गया। वो 12 घंटे की यात्रा करके उसके शहर के कैफे में उससे मिलने गया। उन्होंने पहले से ही वहाँ मिलने की योजना बनाई थी। वो कमज़ोर दिख रही थी और वो जानता था कि कई रातों के बिना सोए रोते रहने के कारण ही वो कमज़ोर दिख रही थी। उनकी ये मुलाकात 1 बरस के बाद हो रही थी और वो उसको अपनी बाहों में लेना चाहता था, परंतु अचानक ही उसको अपने आगमन का उद्देश्य याद आया और वो रुक गया। वो दोनों अंतिम बार मिलने के लिए उस कैफे में आए थे। उस दिन के बाद वो दोनों अलग अलग रास्तों पर चलने वाले थे। वो अपने साथ वो महंगी घड़ी भी लाई थी जो उसने उसको 1 वर्ष पहले उपहार के रूप में दी थी। उन दोनों ने चॉकलेट कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और आमने सामने बैठकर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ मिनट यूं ही बीत गए और चुप्पी छाई रही। अचानक उसने देखा कि उसकी आंखें नम हो गई थी और वो शायद आंसुओं को बाहर गिरने से रोकने का प्रयास कर रही थी। प्रति क्षण उसकी आंखों में आंसुओं की मात्रा बढ़ती जा रही थी। आखिर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। उसने अपना मुंह फेरकर एक लंबी सांस ली और आंसुओं की झड़ी लग गई। वो बोला, अब तुम रो क्यों रही हो? क्या यह संबंध तोड़ने का निर्णय तुमने नहीं लिया था? तुमने ही मुझे फोन करके इतनी दूर से बुलाया है इस संबंध को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिए, और अब तुम रो रही हो। वो कुछ नहीं बोली, परंतु वो उसका उत्तर समझ गया। उसी समय उनकी कॉफ़ी भी आ गई। उसने अपने बैग में से वो महंगी घड़ी निकाली और उसको देते हुए बोली, मैंने ये घड़ी कभी भी नहीं पहनी क्योंकि मैं इसको हमारी शादी के बाद ही पहनना चाहती थी। कृपया इसको वापस ले लो और उस औरत को देना जिससे तुम शादी करोगे। अगले कुछ मिनटों तक दोनों ही अपने बीते हुए दिनों की बातें करते रहे। वो कैसे मिले थे, कैसे प्रेम हुआ था, कहाँ कहाँ साथ समय बिताया था और फिर कैसे संबंध तोड़ने का निर्णय ले लिया था। कॉफ़ी समाप्त करके दोनों ही उठ खड़े हुए। वो उसको काउंटर पर ही खड़ा छोड़कर अंदर बाथरूम में चली गई। उसने अपना चेहरा धोया और देखा कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो जानती थी कि उसको रोते हुए देखकर वो भी दुखी हो जाता था। वो जानता था कि वो उस संबंध को नहीं तोड़ना चाहती थी, परंतु वो उससे शादी करने को तैयार नहीं था। वो जीवन में कुछ करना चाहता था और दूसरी तरफ वो अपने माता पिता के रोज़ रोज़ के तानों से भी तंग आ चुकी थी। वो बाथरूम से बाहर आया। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम कर उसको पार्किंग क्षेत्र की तरफ ले चला। वो अभी भी शांत थी, परंतु उसने अपने मोटरसाइकिल की चाबियां निकालकर उसको दे दी। वो हेलमेट लगाकर बैठ गया और वो पीछे बैठ गई। कुछ दूर जाने के बाद वो किसी ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहाँ कोई भी ना हो। अंधेरा बहुत हो चुका था। उसने मोटरसाइकिल एक निर्माणाधीन इमारत के सामने रोकी और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। अब तुम रो क्यों रही हो? तुम्ही तो चाहती थी इस संबंध को तोड़ना। मैंने तुमको कितनी बार कह दिया है कि मैं पहले कोई काम करके अपने को स्थापित करूंगा और फिर शादी के बारे में सोचूंगा। वे दोनों इमारत के एक अंधेरे कोने में दीवार से सटे खड़े थे। वो आगे बढ़ी और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उससे एक लता की तरह लिपट गई। नहीं, कोई और मुझको अब नहीं छू सकता। मैं किसी और की पत्नी बनकर उसके साथ सो नहीं सकती। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे मम्मी डैडी किसी और से मेरी शादी कर देना चाहते हैं। प्लीज़ कुछ करो और उस शादी को रोको। मैं पूरी ज़िंदगी अकेली रहने को तैयार हूँ अगर तुम मुझे नहीं मिले तो। मुझे मत छोड़ो और मुझसे दूर मत जाओ। चाहता तो वो भी था कि उसकी बाहों में इसी तरह सिमटा रहे, पर उसको जीवन में कुछ करना था। वो बेरोज़गार था और नौकरी की तलाश कर रहा था। वैसे तो उसके माँ बाप का काफ़ी अच्छा व्यापार था, परंतु वो अपना कुछ करना चाहता था। मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे अभी कुछ वर्ष और लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने में। इस हालत में तो तुम्हारे माँ बाप भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे अभी समय चाहिए।
वो सहन नहीं कर सकी और उसने गुस्से से उसको पीछे धकेल दिया, चले जाओ अब तुम यहाँ से, जाओ अभी, कभी वापस मत आना। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। वो उसकी मोटरसाइकिल की चाबियाँ और उसका हेलमेट उसके पास जमीन पर ही रखकर बाहर चला गया। वो उस अंधेरी इमारत में अकेली रह गई, वो रोए जा रही थी। 2 घंटे के बाद अचानक उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। वो अपने आंसू पोंछकर देखने लगी। उसके फ़ोन पर एक संदेश था, अब तुम कितनी देर तक उस अंधेरी इमारत में रहोगी? मैं 1 घंटे से तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे घर में बैठा हूँ। तुम्हारे डैडी तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं कि तुम मुझे प्रेम करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। जल्दी आ जाओ मेरी जान, मैं काम तो शादी के बाद भी कर लूँगा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जल्दी आओ, पर मोटरसाइकिल ध्यान से चलाना। वो तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछ डाला। मोबाइल को जेब में रखकर उसने अपना हेलमेट और चाबियाँ उठाई और मोटरसाइकिल की तरफ दौड़ चली। सब कुछ कितना सुहाना हो गया था। वो मुस्कुराते हुए मोटरसाइकिल चला रही थी और अपने घर की तरफ जा रही थी। मित्रों, जो लिखा होता है वो तो होता ही है, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। आपको मालूम चल ही गया होगा कि मनुष्य का स्वभाव और उसकी प्रकृति कितनी अनिश्चित होते हैं। कितनी जल्दी मनुष्य का मन बदल जाता है, तुरंत रोने लगता है और तुरंत ही खुशी से फुलाना ही समझता। बस यही है मानव जीवन की सबसे खूबसूरत चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।